गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं अ फ्लावर बुके विद अ क्राफ्ट पेपर। फिर आप सोचोगे कैसा बुके बना सकते हैं विद क्राफ्ट पेपर से। वो तो स्लिप प्लास्टिक वगैरह सब बनता है, उसको रियल फ्लावर लगता है, लेकिन फ्लावर भी मैं आपको बना के बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसा बनाना है क्राफ्ट पेपर से, और बुके भी कैसा बनाना है क्राफ्ट पेपर से। आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कैसा बनाना है फ्लावर बुके। आपको कौन सा भी कलर एक पेपर लेना है, जैसे कि मैंने लिया है, तो यहाँ से फिर आपको यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको ग्लू लगाना है। अगर ऊपर नहीं होता है तो आपको उसको ऐसे प्रेस करना है। इसके बाद ये मुँह से चिपका लिया है मैंने। आप देख, मैंने सेम पेपर लिया है ब्लू कलर का ही, जिसके मैंने आपको बोला था कार्डबोर्ड पेपर लेना है। उसके बाद आपको उसको कट कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको थोड़े से रफ पेपर डालना है, जैसे कि मैंने डाला है, ताकि वो अच्छा दिखे थोड़ा सा। ऐसे डाला है मैंने रफ पेपर, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये ऐसा थोड़ा लेना है, यहाँ से ऐसे स्टिक कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे पूरा स्टिक करना है, ताकि ये जो निकल रहा है वो नहीं निकल पाए। ठीक है, कर लिया है, आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला था आपको स्टिक करने को। उसके बाद आप भी फ्लावर के लिए आप कौन सा भी पीस ले सकते हो, जैसे कि मैंने पिंक कलर लिया है आपके सामने ही, तो उसको आपको उसको सिर्फ यहाँ पे ऐसे लेवल में फोल्ड करना है, जैसे कि मैंने फोल्ड किया है। उसके बाद आपको ओपन करके ये साइड कट कर लेना। मैंने ले लिया है वन पीस, जैसे मैंने बोला था। उसके बाद आपको उसको ऐसे फोल्ड करना है, और एक बार हो गया है फोल्ड। उसके बाद आपको एक पेंसिल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ से आपको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा है इसीलिए, तो बड़ा फ्लावर नहीं तो छोटा फ्लावर चाहिए, तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा टिक करके आपको ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको कट करके लेना है। मैंने कट कर लिया है जैसे मैंने आपको बोला था। उसके बाद आपको यहाँ से थोड़े थोड़े ऐसे स्ट्रिप्स काट, पूरा नहीं थोड़े थोड़े, ऐसे ही आपको जैसे मैंने काट के लिया, ऐसे ही पूरा आपको यहाँ तक कट करके लेना है। यहाँ तक आपने कट कर लिया है, जैसे कि मैंने कट कर लिया, आप देख सकते हो पूरा लाइन कट कर लिया है, पूरा एक ही शेप में नहीं। उसके बाद आपको उसको ऐसे ओपन करना है और ऐसे उल्टा रखो उसको, ऐसे ये साइड में ग्लू लगाना है, दोनों साइड में ग्लू ही लगाना है। ये साइड में भी ग्लू ही लगाना। उसके बाद आपको उसको ऐसे उल्टा टर्न करके स्टिक करना है।
वन साइड हो गया स्टिक, ये सेकेंड साइड स्टिक करना है, ये थर्ड साइड स्टिक करना है। एक पेपर हो गया, उसके बाद आपको और एक पेपर लेना है लेकिन दूसरे कलर का लेना है। जैसे कि मैंने अभी पिंक लिया है, पिंक का थोड़ा सा लाइट शेडो होगा रेड कलर, तो मैं अभी रेड कलर लूँगी और सेम ऐसे ही करूँगी जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया है वैसे ही। अभी मैंने रेड लिया है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभी पिंक का लाइट शेडो होगा रेड कलर, तो मैंने यहाँ पे उसको रेड कलर लिया, उसको सेम ऐसे ही फोल्ड किया। अगर आपको यहाँ पे उसका लेंथ नहीं मालूम जो मैंने आपको बोला था, तो सेम उसको ऐसे ही लेना है, ऐसे ही लेना है और उसको पेंसिल से मार्क करना है कि कितना लिया है यहाँ से, और उसको यहाँ से पूरा लाइन लेके आप उसको कट करके सेम ऐसे ही कट करके सेम उसको उल्टा करके स्टिक कर लेना है। सो आप देख सकते हो मैंने दो पिंक लिया है और दो रेड कलर लिया है और मैंने सेम ऐसे ही काटा है जैसे मैंने आपको बोला था कट कर। उसके बाद आपको उसको पिंक कलर को लेना है, पिंक कलर को उसको यहाँ पे स्मॉल ऐसे फोल्ड करना है, ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको उसको ऐसे दबाना है क्योंकि ये साइड ऊपर आ जाएगा ऐसे करते समय। फिर से उसको थोड़े से लेवल में ऐसे। उसके बाद आपको लास्ट वाला ये जो है ना, यहाँ पे आपको उसको ग्लू लगा के दूसरा पिंक कलर भी लेना है ऐसे और कंटिन्यू ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे ये फोल्ड कर रहे वैसे। अब देख सकते हैं कैसे मैंने बनाया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बोला था। अभी उसको रेड कलर को लेना है और उसको ऐसे स्टिक करना है, लेकिन रेड कलर को छोटा काटा है मैंने जैसे आप देख सकते हो, तो उसको थोड़ा सा ऊपर से लेना है ऐसे। रेडी हो गया, आप देख सकते हो पूरा। उसके बाद आपको ये छोटा लग रहा होगा ना, तो फिर आपको उसको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करना है। यहाँ तक हो गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो फ्लावर बनाया ना आपने, थोड़ा सा उसको और ओपन करो ऐसे ताकि वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। आप देख सकते हो स्टिकिंग हो गया है, जैसे कि मैंने बोला था आपको स्टिकिंग करना है, तो कार्डबोर्ड के ऊपर आपको स्टिकिंग करना है ग्लू से। ये हो गया है यहाँ तक। अभी इसके बाद यहाँ पे एक बो बनाएंगे विथ क्राफ्ट पेपर। ऐसा टुकड़ा लिया है आपने, उसको ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद उसको ऐसे फोल्ड करना है। ये ऐसा आपको यहाँ पे उसको ड्रॉइंग, यहाँ पे उसको ऐसे ड्रॉइंग,
कोई इसको सीजर से कट कर देंगे। थोड़ा सा तो ऐसा ओपन होना चाहिए, ऐसा। उसके बाद ये जो है दोनों पार्ट्स उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसको ऐसे चिपकाना है, मैं आपको बताऊँ। उसके बाद यहाँ से कट किए, उसके बाद उसको यहाँ से थोड़ा सा एक ऐसा शेप दे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद उसको ओपन कर, ओपन करने के बाद उसको फिर ऐसे कर, ऐसे फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद उसको आपको ऐसे रखना है, ऐसे ये स्टिकिंग कर लेना है उसको। यहाँ तक हो गया, आप देख सकते हो मैंने स्टिकिंग किया। अगर आपको ये पॉइंट ज़्यादा ही लग रहा है तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ से कट थोड़ा सा और यहाँ से एम बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाया। इसको भी ऐसे कर सकते हो अगर आपको चाहिए ऊपर तो एम, एक्चुअली वो अच्छा लग रहा है ऐसे ही रखने को। तो ये एक रेडी हो गया है। के बाद आपको उसको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे देख सकते हो रेडी हो गया है। मुझे कैसा बनाना है आपको, मैंने तो आपको दिखाया है, थोड़ा सा ड्राइंग किया है जैसे कि मैंने आपको बोला था। उसको ग्लिटर पेन से थोड़ा सा मैंने कलर किया है उसको, आउटर लाइन को। उसके बाद मैंने आपको ये सिंपल वे में, एक्चुअली यार इसके जगह पे पोक करते हैं लेकिन मैं लीफ टाइप मैंने पोक किया है।